मंडी के उपायुक्त कार्यालय सभागार कक्ष में जिला रेडक्रॉस सोसाइटी की एक बैठक आयोजन किया गया। बैठक में जिला के सभी सरकारी व गैर सरकारी शिक्षा संस्थानों के प्रधानाचार्यों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त राघव शर्मा ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये संस्था दीन दुखियों, असहायों और बीमारों की सहायतार्थ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जिला के सभी शिक्षण संस्थानों में सोसाइटी की कोई न कोई गतिविधि होती रही है। इसके लिए स्कूलों और कॉलेजों में रेडक्रॉस के जूनियर और यूथ ग्रुप गठित किए जाएं ताकि छात्रों और युवाओं में मानव सेवा की भावना जागृत हो सके। उन्होंने कहा कि जूनियर ग्रुप में जमा दो तक के छात्र तथा यूथ ग्रुप में 18 से 30 वर्ष के युवा ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। इन ग्रुपों का पंजीकरण जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से किया जाएगा। ये समूह 20 से 50 सदस्य निर्धारित कर सकते हैं। जूनियर ग्रुप का पंजीकरण शुल्क 200 है तथा यूथ ग्रुप का शुल्क 500 रुपए सालाना निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि यूथ ग्रुप में युवा सेवाएं एवं खेल विभाग तथा नेहरू युवा केंद्र में पंजीकृत युवक मंडल भी शामिल हो सकते हैं। ये समूह अपने स्कूल और कॉलेज में सोसाइटी द्वारा निर्धारित की गई विभिन्न गतिविधियों का संचालन कर समाज के लिए एक प्रेरणा का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त जिला में शिक्षा उत्थान समिति और सर्व के लिए स्वयंसेवियों के द्वारा स्वेच्छा से साल भर समाज सेवा व राष्ट्रहित के कार्य किए जा रहे हैं। आज हमने मंडी जिला के जो कुछ शिक्षण संस्थान है और स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ एक बैठक आयोजित की थी। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम रेड क्रॉस की गतिविधियों को किस प्रकार से स्कूल के बच्चों में और कॉलेज के स्टूडेंट्स तक पहुंचा सके। इस मीटिंग के द्वारा हम जिले में जूनियर रेड क्रॉस और यूथ रेड क्रॉस का एक नया इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं। इस इनिशिएटिव के अंदर जो स्कूल के बच्चे और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उन्हें जूनियर रेड क्रॉस और यूथ रेड क्रॉस के ग्रुप में ऑर्गेनाइज किया जाएगा और उनकी जो रेड क्रॉस की एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज में भी उनको इन्वॉल्व किया जाएगा। इस इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम किस प्रकार से रेड क्रॉस की जो मानवता की सेवा और वॉलंटियरिज्म की भावना है उसको किस प्रकार से हमारी भविष्य की जो जनरेशन है, हमारी यंगर जनरेशन है, उसको किस प्रकार तक पहुंचा पाए। और हमारी अपील यही रहेगी सभी शिक्षण संस्थानों से कि वे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में रेड क्रॉस से इंस्टीट्यूशनल मेंबरशिप ग्रहण करें और जूनियर और रेड क्रॉस ग्रुप में बच्चों को ऑर्गेनाइज करके उन्हें रेड क्रॉस की भावना से परिचित कराएं ताकि हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें।